में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टेक्निकली और थोड़ा सा फंडामेंटली भी चेक करेंगे महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव के स्टॉक को। आज का डेट है 12 सितंबर 2020, और अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ प्राइस एक्शन इस स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। हमने अगर दो स्विंग को यहाँ पे अगर कनेक्ट कर लिया तो आप जैसे कि देख पा रहे स्टॉक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड था, उसके बाद स्विंग लेके इसने कि यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक स्विंग लो बनाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डेली ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर एक कंसोलिडेटेड ट्रेड करते हुए स्टॉक नीचे आया और यहाँ से एक सपोर्ट लेकर स्टॉक ने फिर से अपने जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन के पास ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कहाँ पोजीशन लेना है, कहाँ डिमांड जोन लेना है, इस सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने से पहले जो महिंद्रा सीआई का जो स्टॉक है उसके फंडामेंटल्स की तरफ एक नजर करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये महिंद्रा का जो है महिंद्रा सीआई का फंडामेंटल्स है। यहाँ पर देखिए हम प्रॉफिट और लॉस का जहाँ पर हम स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तो दिसंबर 2015 से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नंबर्स अच्छे खासे आए थे। 1800 प्रॉफिट एंड लॉस में 4000 से लेके नंबर इंक्रीज हुए 5,008, और यहाँ पर दिसंबर 19 से लेके कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 19 से लेके नंबर्स में गिरावट देखी गई और टारगेटेड ईयर में और भी इनके नंबर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका दिसंबर 2019 में जो 354 का जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पर 9 पर आ चुका है। बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये जो मार्च के जो नंबर्स है इनको कंपेयर करेंगे प्रीवियस नंबर्स के साथ में, मार्च 2019 में 2174 के जो नंबर थे वो एकदम 50% में हमें यहाँ पर कमी, लगभग 50% के आसपास कमी दिखाई दे रही है 1600 के आसपास। और जून 2019 के जो नंबर्स है उसमें तो आप देख सकते हैं कि 2142 से 735 पर ही इनका सेल आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पर 12% प्लस हुआ करता था वो -30% पर जा चुका है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट -129 आ चुका है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट पे हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर इस स्टॉक में एज पर ये जो हमें जो एक गिरावट सी दिखी है यहाँ पर इस स्टॉक में, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के बाद एक डोजी बना, स्टॉक ऊपर जाने की हल्की सी कोशिश की उसने और स्टॉक का प्राइस नीचे आया, और कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया हुआ है। जैसे कि हमेशा जब भी एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर देखिए ये एक इसने प्रीवियस हाई बनाया हुआ था और ये प्रीवियस हाई के बाद में ये जो स्टॉक है इसने इस प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाया था, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये स्टॉक इस अपने सपोर्ट एरिया में आने के बाद डेली बेसिस पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, और जैसे कि हम इसके फंडामेंटल्स देख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये हैमर्स बनने के बाद हमने इस स्टॉक में ऑन डेली बेसिस या 30 मिनट्स के चार्ट पे या इंट्राडे बेसिस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।